बिसम अल्लाम नाजरीन ज़िंदगी में बहुत मरतबा ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा तोजह से ढूँढ रहे होते हैं और वो आपको मिल नहीं रही होती और मैं अक्सर प्रोग्राम्स में ये जिक्र कर चुका हूँ कि नथिंग इज़ रैंडम इन द यूनिवर्स तो वो जो चीज़ आपको नहीं मिल रही होती है इट हैज़ सम ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट और फिर जब आप उसकी तलाश को बिल्कुल छोड़ देते हैं मायूस होकर तो ऑल ऑफ़ ए सडन यू वेक अप वन मॉर्निंग एंड यू सी दैट थिंग प्लेस राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइज़ एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ सिमिलरली मैंने जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोर देन अ डिकेट टाइम स्पेंड किया वहाँ पर मेरी ढूंढने वाली जो तलाश थी उस शख्स के बारे में मैं ढूंढता रहा लेकिन आई वॉज अनएबल टू फाइंड एंड और कैच हिम इन द वे विच आई फाउंड फॉर द लास्ट वन वीक और सो जब मौका था उस वक्त वो मौका नहीं मिल पाया और जब मौका प्लानर की तरफ से था तो वो चीज़ ऐसे ही हुई जैसे मैंने आपको बताया टुडे वी आर हैविंग द गेस्ट विद अस वी हैव वर्कड इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन फॉर मोर देन डिकेट और सो एंड द पर्सन वी आर हैविंग टुडे द ऑनर ऑफ शेयरिंग द विजडम पर्सन जो साहब हैं तीस साल से ज़्यादा प्रोफेशनल कैरियर का तजर्बा है एंड ही हैज़ बीन सर्विंग इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन मेनली इन द इंडस्ट्री ऑफ टेलीकॉम एंड हॉस्पिटलिटी वेरियस डिपार्टमेंट्स में काम कर चुके हैं टू नेम फ्यू एच आर सेल्स इसके अलावा कस्टमर सर्विस और फाइनेंस uh, आज हम बात कर रहे होंगे एच आर के हवाले से लर्निंग इंडस्ट्री के हवाले से क्या मिथ्स हैं क्या रियलिटीज़ हैं लेट अस गो डायरेक्टली इनटू द डिस्कशन एंड हैव समथिंग सम विजडम फ्रॉम मोहम्मद सजवानी साहब मोहम्मद सजवानी साहब कौन है अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाएंगे आइए चलते हैं सजवानी भाई के पास वालेकुम सर वालेकुम असलम जनाब कैसे हैं आप अलहमद मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ सर सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस इन द ज्वाइनिंग आप का जो थोड़ा बहुत मुझे पता था वो तो मैंने बता दिया लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू शेयर फ्यू ऑफ द डिटेल्स ऑफ यूर सेल्फ वॉट इज योर लाइफ जर्नी एंड वॉट इज द करंट बिजनेस स्टेटस यू आर इट जर्नी तो आपने बहुत ही करेक्टली बताया आई हैव बीन वर्किंग फॉर टेलीकॉम एंड हॉस्पिटैलिटी फॉर ओवर थर्टी And uh, after um, once I decided that I should move on uh, and have uh, something of my own, so I opted for uh, uh, an HR company which is called Evolve HR Consulting, uh, where we provide uh, a handful of services including uh, coaching, mentoring, uh, uh, training and development, uh, HR consulting. Uh, events and uh, so on and so forth. So, these are around six or seven services that we are currently providing, mashallah. And we are, and yeah. we are relatively a new organization. You are relatively a new organization. Sajwani saham, what makes you fall into it? Yani ke, तो तो organization attached what makes you fall into this uh, love you have? in fact i always wanted to have something of my own uh, while i was working and i was working uh, mentally on that uh, but uh, due to circumstances where uh, you cannot operate on both the fronts while you are in a job so i was mentally doing some homework how to proceed because eventually one has to retire from the jobs at a certain point in time so before you one day you find out that you don't have a job and you don't have anything else to do so that's uh, where I was started working on uh, this small organization, uh, which is uh, not so small, mashallah, now. So we are picking up. Uh, God has been very kind. Let me, let me be the representative of uh, young people who are in their early 30s or late uh, 20s. मैं आपको हकीकत बताऊं कि मेरे ख्याल से कोई 99.9 नाइन परसेंट एम्प्लॉज़ ऐसे होंगे ऑर्गनाइजेशन के अंदर जब वो अपनी उम्र के इस हिस्से में से गुजर रहे होते हैं तो सिमिलर थिंकिंग उनके जहन के अंदर ज़रूर आती है लेकिन देर आर वेरी फ्यू हु टेंट टू हैव दैट लीप ऑफ फेथ मुझे ये बताना है आपने कि वट प्रोपेल्ड यू टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन थिंकिंग प्रोसेस जैसे आप कह भी रहे हैं कि जॉब के अंदर रहते हुए यू हैड स्टार्टेड दैट थिंकिंग प्रोसेस तो आपका माइंड वर्क चलना शुरू हो गया था तो एक जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है उसको आज सजवानी साहब ये बताएंगे कि बैलेंस कैसे क्रिएट करना है और उसके साथ साथ फैमिली का भी टाइम है अपनी हेल्थ का भी टाइम है इस सारे ट्वेंटी फोर आवर्स के अंदर से यह एक्स्ट्रा टाइम कैसे निकालना है बंदे ने मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जिस कंपनी के साथ में मेरी लास्ट जॉब थी वहां पर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि यू कैन नॉट वर्क एल्स वेयर शायद स्टैंडर्ड स्टेटमेंट जो कि वहां इवन कुछ लोग पढ़ाने जाया करते थे तो मैनेजमेंट को उस पर भी एतराज था कि जी आप फ्री टाइम में इवन वीकेंड्स पे तो दिसर आई वॉज ऑल्सो कंसर्ण के दिस इज सम विच इज टू स्ट्रिक्ट अगर आप वीकेंड्स में अपने टाइम में पर्सनल टाइम में सैटरडे को इवनिंग में अगर आप दो घंटे का लेक्चर लेने जाते हैं तो उसमें कंपनी तो वैसे ही ऑफ है उस दिन so but that is something which uh, was in my mind ke de, because i love uh, writing i love reading i love uh, interacting with people though i look a little more serious but uh, that's how we all are in, in life because there are some serious moments there are some interesting funny moments and it has to be like that so i always wanted to go for uh, because uh, during my um, days when i was a junior employee i always looked up to the these speakers who used to come and train us and uh, maybe so i always wanted to be somebody who speaks in front of so many people though i still remember when for the first time i was asked to speak in a larger audience i literally froze and this happens to so many people around us, but uh, it is the practice which makes you eventually perfect. my apology. So, I, I, I was unable to catch the answer i was looking for. the employee, how he is going to create the balance between thinking process for his own setup while working for an organization day and night? yeah, and uh, in that uh, front, i think uh, the employees should uh, at least do some mental homework. Uh, they should be, I mean, for example, if somebody wants to go for any field, uh they need to. For, for example, some people have family businesses and they have insight into that. Uh, Some people have friends who have uh, aptitude for that uh, side of uh, the business. So they, they have to create that. They have to identify, first of all, what they want to be. Even i have seen so many people who at the age of 35 they have said, said goodbye to their jobs and uh, and there are so many examples in the world even in our own country even in our own city where uh, 35 40 years people old people they decide uh, to do their own things and uh, for that i would say that uh, they have to make up their mind first what they want to do because you just cannot leave your job and uh, uh, after that you decide you have to decide in advance so is or time definitely as any of sales call or sales call in company will definitely find out about that so there are smarter people in the organization who are, who are call your bosses so this is also very unethical but at the same time in your free time and free free time in your vacations in the evenings you can work on those aspects without disturbing your official business or official work that you are doing I think this clarifies now yeah exactly बहुत अच्छे तरीके से आपने जवाब दे दिया मुझे ये बताइए सजवानी साहब कि माशाल्लाह जो लोग सुन रहे हैं उनमें से बहुत से लोगों की जितनी आय जाए उतना आपका तजरबा तो आप अपने तजर्बे की बुनियाद पे ऑन बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस लेट अस हैव टॉप थ्री लर्निंग्स फ्रॉम योर लाइफ वट एवर यू हैव इन द मीन टाइम मोहम्मद अलियास ने हमें जॉइन किया आपको सलाम भी कह रहे हैं और आप मुझे बताइए कि आपकी आपकी लाइफ की लर्निंग टॉप थ्री लर्निंग ऑफ लाइफ फ़िलासफी ऑफ लाइफ हाउ डू यू टेक द चैलेंजेस एडवर्सिटीज प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ गाइड समथिंग टू द यंग जनरेशन लिसनिंग टू यू राइट नाउ सबसे पहली बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि मेरी जो आज एज हुई है उस तक पहुंचने के लिए मेरा ख्याल है कि इबन इनशा की एक खूबसूरत गजल है या गीत है आई डोंट नो एग्जैक्टली बट सब माया है द द एसेंस ऑफ लाइफ इज सब कुछ चला जाएगा एंड दैट्स वाई जो चीज़ बाकी रहने वाली है वो हमारी रूह है एंड वी शुड बी लुकिंग आफ्टर दैट मच मोर देन वट वी डू टू आर बॉडी सो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है जो और मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी है आया है इस वजह से भी के जिंदगी की दौड़ धूप में आप कब तक भागते रहेंगे यू हैव टू लुक इनसाइड योर सेल्फ और जो कुछ मैं चीज़ें लिख रहा हूँ आजकल उसी के पेश नजर कि जी आई मीन वन शू डू गुड

उसकी डेप्थ में जाकर समझना चाहिए और तीसरी चीज आपकी फैमिली से बढ़कर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है वो तो जो हम कहते हैं ना कि कंपनीज हमारी आजकल की दुनिया में एक फैशनेबल टर्म यूज होती है कि जी कंपनी आपकी और मेरी पुरानी कंपनी में डे यू लीव ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू रिलाय ऑन योर ओन रियल फैमिली Which is your parents, your children, your spouse. They are there in thick and thin. They need really look after you, they take care of you. So be sincere to them. बहुत अच्छे ज़बरदस्त तीन लेसन आपने बहुत आला दे दिए और आ, कमाल कर दिया अच्छा अब मुझे ये बताइए कि मैं आज आपको ना छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ कि मैं आपका विजडम ना शेयर करूँ और गपशप में टाइम सारा निकल जाए बेस्ड अपॉन योर दैट मच वास्ट एक्सपीरियंस लेट माई ऑडियंस नो द एग्जैक्ट डिफरेंस इन द सिंपलर ऑफ द लैंग्वेज मुझे आसान तरीन पंजाबी उर्दू अंग्रेज़ी में बता दें कि ये आज कल बच्चे जो है सुनते हैं ट्रेनिंग कोचिंग मेंटोरिंग और इससे रिलेटेड और भी टर्म्स हैं ये कोई फ़र्क ज़रा वाजे कर दें सजवानी साहब ज़िंदगी आसान कर दें सर माजरत के साथ आजकल तो आप कोई पत्थर उठाएं उसके नीचे से एक ट्रेनर निकल आता है तो हमारी सोसाइटी में भी और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है शायद जिस तरह हमारे यहाँ अदाकारों के लिए कोई एकेडमी नहीं है इसी तरह से शायद ट्रेनिंग के लिए भी कोई नहीं है सो आप जहाँ आपने एक पत्थर उठाया उसके नीचे से एक ट्रेनर नुमा मोती नमोदार हो जाता है और दिस इज फैक्ट कि दोज हु किट डू एनी थिंग मे बी दे 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 गो दिस इज ऑन देर नोट आई एम जस्ट किरिंग बट दिस इज वट वी सी अराउंड अस ट्रेनिंग के लिए एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात कही पिछले दिनों में उनको सुन रहा था कि ट्रेनर दो तरह के होते हैं या ट्रेनिंग दो तरह की होती हैं एक तसल्ली वाली ट्रेनिंग होती है जिसमें ट्रेनर आपको आप उसके सामने कोई भी मसला रखें या आपके ऑर्गेनाइजेशनल हेड कोई मसला रखे तो वो सामने कहते हैं जी कोई बात ही नहीं है तसली देकर हम ये कर लेंगे और एक तज्ली है दूसरी बात एक तसली वाली ट्रेनिंग है या एक तसली वाला ट्रेनर है और दूसरी तरफ एक तजली वाला ट्रेनर है तो इन दोनों में हमें फर्क पहले तो तय करना है कि हमें किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए या अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को हेड करते हैं तो हमें किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए और किस तरह के ट्रेनर को हम ढूंढ रहे हैं आपको बहुत शब्दाबाद नजर आएंगे लोग जो के नाचते कूदते गाते नाचते डांस करते हुए आपको ट्रेनिंग में नजर आएंगे और लोग इंजॉय करते हैं बट हाउ लोंग दर माइंड मे बी अ डे मे बी हाफ अ डे मे बी टू डेज वेयर इज द लर्निंग लर्निंग हैजू बी विथ यू फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम और ट्रेनिंग नॉर्मली जो हम जो आपने फर्क पूछा तो ट्रेनिंग हम मेनली जो बात करते हैं वो लार्जर ग्रुप्स के लिए होती है अवाम उन्नास के लिए जिसको हम कहें जिस तरह कंपनी के पास बजट होते हैं और उनको साल के आखिर में बहुत सौर को खोश आ जाता है कि जी हमें ट्रेनिंग करनी है तो दे स्टार्ट स्पेंडिंग मनी एंड दे कॉल ट्रेनर्स कि जिसमें रिट्रीट करा दी या टीम बिल्डिंग करा दी या ये करा दी है वो करा दी तो ये ट्रेनिंग जो हम जनरली कोचिंग इज लिटिल मोर स्पेसिफिक और हम जिसको कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग को हम कोचिंग uh, कहते हैं और उसके अंदर उसमें

Regular follow-ups, counseling elements, talking more frequently. I remember in one of my organization lately where I was working, uh, I was mentor of uh, two typical employees, uh, manager, they needed to improve on lots of areas, jinke and who outstanding or excellent, say और उन पर ये इस वक्त नौबत आई हुई थी कि उनको काम भी वो अच्छे थे लेकिन बिहेवियरल इश्यूज़ ज़्यादा थे तो उनको एक मेंटोर असाइन किया गया और इस तरह से काफी इंप्लॉय को मेंटर्स असाइन किया गया फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट तो हम करते ये थे कि वी यूज टू सिट एवरी टू वीक्स एंड वी यूज टू अंडरस्टैंड इश्यूज क्या हैं इनफैक्ट मैनेजर uh, को इस बात का एहसास नहीं था कि उनमें से एक इंप्लॉय के घरेलू हालात में काफी मसाइल थे एंड हियर मोस्ट ऑफ द मैनेजर लैक दे आर ओनली बॉदर्ड अबाउट द वर्क दे डू नॉट कॉन्सेंट्रेट द डो नॉट बी अटेंशन के उसके घर में हो सकता है और उनमें से एक इंप्लॉय एट दर्ज ऑफ बींग तो आप परफॉर्मेंस की जब इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो दिस इज एन ऑल इन इनकम्पासिंग थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ द एम्प्लॉई द कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉई द एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसमें आपको और उनको अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो डेफिनेटली देयर वर्क लाइफ विल इंप्रूव तो यहां पर मेंटोर का रोल आता है यहां पर आप आ, अगर आ, थोड़ी सी एफर्ट करें ऑन द पार्ट यू कैन रियली टर्न अराउंड ट्रेनिंग कोचिंग एंड मेटोरिंग नो लेट वी नो के इन तीनों में से पाकिस्तान में बींग गुरु ऑफ द इंडस्ट्री आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में स्कोप किसका ज्यादा है मेनोरिंग चलेगी कोचिंग चलेगी या ट्रेनिंग और जिसका भी स्कोप आप समझते हैं ज्यादा है उसकी रीज़न भी बताइए कि ऐसा क्यों आप सोच रहे हैं वॉट योर इंडस्ट्री सेज अबाउट इट मेरे ख्याल में कि वक्त के साथ साथ एटलीस्ट सीनियर लेवल पे है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जूनियर लेवल ट्रेनिंग इंडस्ट्री तो क्योंकि अब चीज़ें बहुत ज्यादा आउटसोर्स हो रही हैं और जो आज पेंडेमिक के बाद की जो सिचुएशन आनी है और जो हमें नजर भी आ रही है कि विल गो फॉर ऑफ टेकिंग तो वो इंटरनालाइज in करने की बजाय उसको वो आउटसोर्स करेंगे इनसोर्स करने की जगह आउटसोर्स करेंगे तो उसमें ट्रेनिंग कंपनीज की जगह तो अपनी जगह बरकरार रहेगी लेकिन uh, मैं जिस तरफ देख रहा हूं कि आपकी एक पर्टिकुलर खेप है जिनको आप आपकी सीनियर मैनेजमेंट कहते हैं बाज दफा आपको हैरत होगी शहजाद आप हम जब ट्रेनिंग सेशंस में जाते हैं और जिस उम्र के उम्र रसीदा हजरत ट्रेनिंग में बैठे होते हैं जिनकी शायद अपनी एक्सपायरी डेट काफी करीब हो लेकिन वो फिर ट्रेनिंग में बैठते हैं और हैरत होती है कि ऑर्गेनाइजेशन डू सच देर ओन इम्प्लॉय अब उनको आप क्या ट्रेनिंग सेशंस में बिठा रहे हैं और सिखा रहे हैं जबकि उनकी रिटायरमेंट बहुत अनकरीब है तो कोचिंग सेशंस बहुत ज्यादा वाइटल होते जाएंगे और होते जा रहे हैं आई नो ऑफ यू कंपनीज जिस तरह हम ऑफलाइन बात कर रहे थे कि देर आर कंपनीज इन पाकिस्तान Bringing in expatriates, even expatriate Pakistanis and foreigners for the top team, ten or twelve people who are the future leaders of the organization. One of them will become CEO or president or CFO or CTO or whatever. Unko unko coach karne ke liye. And then have, they have मुझे आप इंटरप्ट करने की इजाज़त दें देखें अगर ये सिचुएशन है आई आई एग्री विद यू फॉर अ मोमेंट कि ठीक है जिस सजवानी साहब ने कहा है तो ऐसे ही हो रहा होगा इंडस्ट्री के नॉर्म्स को आप जानते हैं हिर कम्स अ क्वेश्चन कि अगर ऐसा है और मेरे जैसा या कोई और नौजवान ट्रेनर है कोचिंग के अंदर आ रहा है कोच बनता बनना चाहता है वो एग्जैकटिव कोच बनना चाह रहा है जबकि सजवानी साहब कह रहे हैं कि भाई टॉप लेयर जो ऑर्गेनाइजेशंस की होती है उस लेयर को कोचिंग की ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड है मैं तो आज तक कभी टॉप लेयर के अंदर काम नहीं कर पाया तो क्या मैं उन टॉप लेयर के लोगों का कोच बन सकता हूं या नहीं आप कहेंगे अगर आप कहेंगे कि नहीं बन सकता तो फिर मैं तो मिडल मैनेजमेंट के लोगों तक ही कन्फाइंड रह जाऊंगा वहां पे कोचिंग की जरूरत ही नहीं आपने कहा अगर, अगर अगर आपका जवाब ही है कि आप उनका कोच बन सकते हैं तो फिर आप मुझे ट्रेड बताएंगे कि मैं कैसे बन सकता हूं मैंने तो उस जगह के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको कभी विजुलाइज ही नहीं किया मेरा ख्याल है कि हमारे जैसे वॉट पीपल डू दे स्टार्ट जनरल ट्रेनिंग्स इन जनरल सीनियर टीम मिडिल मैनेजमेंट एंड जूनियर एम्प्लॉय

in few years time you will make it to that level where you will be a coach for the future leadership of those companies that's how we have all uh, experienced in our companies that we have never had uh, uh, a 30 years old coach coaching a 50 year old guy so, but with the passage of time that happens i mean you need some grey hairs to to train the babajis who are sitting in the organizations आई थिंक या या यू आर एग्जैक्टली राइट ठीक है बिल्कुल सही है अच्छा मुझे ये बताइए सजवानी साहब के माशाल्लाह से इन द मीन टाइम हाँ एक और हमारे मेरे उस्तादों में से हैं मोहम्मद उस्मान गुलजारी साहब ने हमें जॉइन किया है आपकी तारीफ कर रहे हैं शो की तारीफ कर रहे हैं ना तो क्वेश्चन है सजवानी साहब कि ये जो नए एंट्रेंट हैं जो अभी एक नई खेप आ रही है यूथ आ रही है इस इंडस्ट्री के अंदर वी वी अंडरस्टैंड दैट फेसिंग द चैलेंजेस इज मैंडेटरी इस जर्नी के अंदर ये बहुत कोई बेड ऑफ रोजेज नहीं हो सकता वो जो चैलेंजेस आने हैं वो जो एडवर्सिटीज आनी हैं उन एडवर्सिटीज को हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं वो क्या तरीके हो सकते हैं क्या टेक्निक्स हो सकती हैं जिन टेक्निक्स को इस्तेमाल करके वो कोलेट्रल डैमेज या वो डैमेज है उसको मिनिमाइज लेवल पे लाके रख दिया जाए कि यार ये मिनिमम लेवल है इस लेवल से ऊपर का डैमेज uh, है मैं एस्केप कर पाऊं वो कौन सी है देखिए इन्वेस्टिंग इन द पीपल इन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इज ऑलवेज टेकन एज एन एक्सपेंस हम ट्रेनर्स अपने जब हम अपने कोटेशन बनाते हैं तो हम फी नहीं लिखते हम इन्वेस्टमेंट लिखते हैं लेकिन जब ये फाइनेंस के पास जाता है तो वो डेफिनेटली वहां पे ट्रीट होती है और आजकल के पेंडेमिक या पाकिस्तान की हालात इतने फ्रिजाइल हैं कि जिसमें अगर एक पटाखा कहीं हो गया तो वो आपकी सारी मार्केट पर असरअंदाज होता है ऐसे में जो न्यूज हमारी आ, जो पौध है जिन्होंने लर्निंग की साइड पे आना है ट्रेनिंग की साइड पे आना है या कोचिंग और मेंटोरिंग की साइड पे आना है या और दूसरे पर्सनल वेंचर्स के अंदर उनको एज एन ऑन्ट्रप्रन्य अगर उन्होंने जाना है तो आई थिंक सबसे पहले तो दे नीड टू डू देयर होमवर्क वेल थॉट जी हाउ दे वॉन्ट टू प्रोसीड तीन से छह महीने में को ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जिसमें आपको बिजनेस भी मिलने लगेगा हाउ इंफ्लुएंशियल यू आर यू हैव टू प्रूव इट हाउ कैपेबल यू यू आर हैव टू बी लिटिल पेशेंट बट एट द सेम टाइम मार्केट में वही कहते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है हमने देखा है कि बाद जगहों पे हमने काम किया है और हमारे आगे कोटेशन के लिए आई मीन वर हाईली स्किल्ड सीनियर गुरुज ऑफ दिस कंट्री बट स्टिल वी वर नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइस but they wanted to see new faces so new faces are i mean equally important that they want to come how they present themselves how well read they are uh, uh, how prepared they are uh, for uh, the, the training de uh, delivery or or whatever assignments they are given how uh, many new generations keep एक मैं कहूंगा जिस तरह मैंने शुरू में भी एक वर्ड यूज किया था या एक सेंटेंस यूज किया था कि द डेविल इज इन द डिटेल उनको दे हैव टू वर्क हार्ड दे हैव टू रीड बिकॉज एज इन वन ऑफ माई प्रीवियस टॉक्स आई मेन्शन दैट अनलेस यू रीड यू कॉन्ट टीच एंड अनलेस यू डोंट रीड यू कॉन्ट राइट सो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट पीपल हैव टू अंडरस्टैंडर जनरेशन नीड्स टू अंडरस्टैंड पिछले दिनों मेरे लिंक दिन पे एक मैसेज एक हमारे यंग दोस्त ने छोड़ा कि सर मैं ट्रेनर बनना चाहता हूँ मुझे आप बताएं कि कौन कौन सी प्रेजेंटेशन पे मैं काम करूँ आई मीन देट वॉज

People have to work hard to prove themselves. Or uh, keep meeting the organizational uh, heads of trainings. They have to visit. I mean, don't just rely on uh, the social media advertisements that you have given. Ya you page you have a promote in You have to have a physical repo, a physical relationship with the people. You need to know the market, you need to know the names of the people uh, who are driving the shows in their organizations. So chand hai mera ke hamare nojewaan, uh, Or definitely, you always get, I personally at this age, when I hear a younger uh, trainer, I also get more motivated. I get excited because they have new knowledge to share. So this is very important that you need new people. Uh, to come into this field, or mashallah, Pakistan is very rich as far as the trainers uh, in the training industry, the, the amount of trainers. I think somebody needs to really seriously do uh, some uh, work on this to identify how many trainers do we have in Pakistan alone. and that will bilk be the I'm sure, sure, but I sure. Um, uh, quick questions दोस्त एक बारे में आपका क्या व्यू है डू यू थिंक पाकिस्तानी को मेरा सलाम दीजिएगा that I, ha I know and i have recently seen a couple of his videos on your very channel so uh, in fact uh, he knows the answer of course uh, but uh, just since he has asked so i would like to share that digital uh, and online courses is the future is the future it is not even future it is the present i would say or pandemic i mean uh, what better way one can have to get trained and uh, improve um, his or her knowledge, other than uh, going to? I know a few friends who are uh, uh, locked down in in this lockdown. Uh, they are sitting home and doing uh, various courses. So this is the this is the way to to uh, spend quality time while you are home, while working side by side and. Uh, ऑनलाइन कोर्सेस और माशाला दिस आई मीन जब आप जाते हैं लर्निंग की तरफ आई मीन देयर आर सो मैनी कोर्सेज दैट समुड नॉट नेम देबसाइट बट दे आर ऑफरिंग दे आर गुड कंपनीज आर ऑफरिंग एंड इन रिटर्न यू गेट सर्टिफिकेशन इज वेल आई यू रीडिंग द क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपको विजिबल भी होगा मोहम्मद अलियास साहब कह रहे हैं क्वेश्चन टू सजवानी साहब बीइंग द सीनियर एचआर रिसोर्स एंड हेडिंग अ कंसल्टेंसी डू यू हैव एनी प्लान्स टू प्रिपेयर न्यूली पास आउट यूथ टू बेटर परफॉर्म इन जॉब्स और इन एंटरप्रीनियरशिप टू बी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ एंड कैरियर आई बिलीव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर नॉट प्लेइंगम रेडी फॉर फॉर हार्ड लाइफ a uh, difficult question to ask uh, but uh, this is something uh, i would say that uh, uh, why not i mean we we all have a, a social responsibility a societal responsibility where we should uh, join hands with those and uh, in my capacity as a volunteer for uh, the community level uh, uh, services i do offer my services where i am needed by the uh, career uh, advice or uh, for that matter what you call it uh, uh, jumper skill set improve karne ke liye. but yes uh, on in my voluntary capacity i am doing uh, this kind of uh, counseling and uh, coaching for the uh, entrepreneurs and uh, the new entrants well, example in one of the hotels where i was working last lastly, uh we used to bring in fresh grads to get internships and uh, this was uh, i mean uh, uh, an internship program was announced only with select uh, universities but that was what a service to to the industry where people who want to uh, see their future in the hospitality or young grads and they want to uh, they are seeing their future in the hospitality industry. We, we used to help them and we used to in, enroll them for three months or six months, where they used to get into detailed uh, internship programs. But uh, the, the answer for Mr. Mohamed Ilyas is yes, I would love to do that. वेरी नाइस सर मुझे ये बताइए सर जो साहब वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम लेकिन क्वेश्चन आ रहे हैं तो आई आई वॉन्ट यू टू कंटिन्यू इफ़ यू हैव स्केजल इन फ्री टाइम मुझे ये पूछना है आपसे कि हर इंसान जब कभी इसी किसी प्रोजेक्ट के अंदर जाता है तो आई एम श्योर कि वो पूरा रीज़नेबल होमवर्क करके जाता है द क्वेश्चन अराइजेज कि अगर होमवर्क की हवा भी है और उसके बावजूद वो काम भी पूरी मेहनत से कर रहे फिर भी वो फेल हो जाते हैं तो आप हाउ टू जनरेट रेवेन्यू इन द फर्स्ट मंथ्स जैसे भी आप कह भी रहे थे कि शुरू के छह महीने में कुछ नहीं होगा या इट टेक टाइम उसने अपना किचन भी तो चलाना है फॉर द न्यू कोचेज इन द इंडस्ट्री यू गाइड देम दैट हाउ टू मेक दैट टाइम स्क्वीज फॉर देम सेल्व यू एज एड इन वी डोंट है मैजिक वॉन्ट Uh, in this particular field i would say that uh, the new coaches uh, or new trainers they should probably instead of going stand alone uh, they should join uh, or work with because i know some of the very finest trainers of this time in pakistan they have been working for gurus like kamran rizvi people used to work for them and we know i mean i don't need to name them here but they used to work as juniors uh, at times uh, on internship. But now they're the big names of, of this industry. So people have to start from somewhere. Uh, I mean, if I'm forming a company and that doesn't work instantly, I think that will be a foolish decision to go straight forward for a company. You work with some renowned name, spend some time, and then uh, once you know that you are capable enough. To, to you have enough market rapport you have enough market relationships uh, because under these difficult times one has to be very careful how how you will survive Because ki you have to uh, run yourself only or banana you have family to support in this society so one needs to go very wise uh, and uh, one needs to go very i mean prudent i would say this this prudence is the word that uh, uh, comes to my mind that uh, people have to work on on these lines. Don't jump into your own business, direct business. I mean, work with a senior trainer, work with a senior coach, and then uh, part ways after some time if you feel that is important. ओके uh, सर okay अभी uh, उस्मान गुलजारी साहब कहते हैं कि थैंक यू सजवानी साहब फ़ॉर योर काइंड वर्ड्स अबाउट मी ग्रेटफुल टू योर व्यूज़ अबाउट डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड कीप इंस्पायरिंग एजाज अहमद साहब ने हमें जॉइन किया है आपको सलाम कह रहे हैं मुहद श साहब कह रहे हैं कि प्रोग्राम अच्छा होता है बहुत कुछ सीखने को मिलता है uh, अलियास साहब ने आपका शुक्रिया अदा किया कह रहे हैं स्टे ब्लास्ट विद दिस अनदर क्वेश्चन कम्स इन माई माइंड के इट इज़ ऑफन सेट सजवानी साहब के एक्सपीरियंस का कोई आल्टरनेट नहीं होता है। है. तो लाइफ इज अ पैक ऑफ एंड नथिंग मोर देन दैट लेट मी हैव योर व्यूज अपॉन अ पॉइंट के जहां पे आप कहते हैं कि एक्सपीरियंस की बेस पे बंदे के पास इतना तजर्बा है कि वो जाके किसी को भी कोच कर सकता है या ट्रेन कर सकता है इफ दैट इज द केस दैन वेयर कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट सर्टिफिकेशन फ्राम द्रेडिट एंड फेमस ग्लोबल

Uh, in uh, US, uh, he was saying that uh, now the companies like Apple and Google and Facebook and all these big names, they are not even asking for degrees. So, I mean, gone are the days when uh, people, at least in the West, mein to ye hai, they go with your intellect. How strong you are here from uh, for your clientele. तो एक्सपीरियंस को एक जगह पे हम रखते हैं उसको हम अब हम वही अक्सर सुनते हैं कि जब हम न्यू एम्प्लॉज को जब हमारे पास इंटरव्यू के लिए आते थे तो हम हम यही सामने से जवाब दिया करते थे कि जी सॉरी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और वो सामने हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते थे कि जी सर काम करेंगे तो एक्सपीरियंस आएगा सो दैट वॉज ऑलवेज एक डिबेट uh, रहती थी लेकिन ये चीज अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है कि वी मस्ट गिव चांस टू द यंगर जनरेशन बिकॉज आपके पास एक फनल है जिसको आपने कंटिन्यूसली यूज करना है आपने एक्सपीरियंस को उस फनल में छानना है जितना जरूरी है उसको यूज करें जितना uh, आपके पास नया नई नॉलेज जो आती है एंड आई मस्ट से आई डोंट नो अबाउट यू शेजाद आई आर far more smarter than me and my spouse. in terms of their knowledge, in terms of their education, in terms of their uh, way of thinking, uh, i mean, they are. i had to call my daughter to help me how to to connect because my safari used karata and it was not working, so i had to move to the google chrome. so you see, i mean, these people are uh, much more smarter than us. और अगर आप सिर्फ तकिया करें कि जी एक्सपीरियंस का नमोल बदल नहीं है हाँ ये एक पुरानी आ, कहावत तो हो सकती है लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 2020 में या उसके आगे ट्वेंटी सेंचुरी में इसका कोई खास आ, असर बाकी रहेगा आपने ना मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर दिया है साहब ब्यूटीफुल थिंग यानी कि आपका जो कॉन्फिडेंस यूथ के अंदर है ना इट इज़ अमेजिंग एंड आई एम स्ट्रॉग एडवोकेट कि ये जो यंग बच्चे हैं दे दे आर गोइंग टू फ्लाई हाई इन और आपने they जो will, फनल का एक, फनल का जो कॉन्सेप्ट दिया है इट इज़ ऑल्सो मावलस मुझे ये बताइए कि आपने अभी अपनी गुफ्तु के दौरान कहा कि जो द वन हु कैन रीड विल नॉट टीच और फिर जो पढ़ नहीं सकता वो लिख भी नहीं सकता विद योर एक्सपीरियंस इन विजडम आई एम श्योर यू आर इन टू द रीडिंग थिंग गाइड आर यंग पीपल अबाउट टॉप टू टू थ्री बुक्स विच यू रेकमेंड देम टू रीड इन द फर्स्ट स्टेज जैक वेल्च की किताब है विनिंग मेरा ख्याल है कि अगर uh, जिन्होंने पढ़ी है उसको दोबारा पढ़ें और जिन्होंने नहीं पढ़ी वो उसको जरूर पढ़ें और दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट और दूसरी बुक है स्टीवन एम आर कोवी की uh, जो के ट्रस्ट के ऊपर है मैं उसका नाम मिस कर रहा हूँ अगर आपको याद आता है तो मुझे बता दें या अगर कोई स्पीड ऑफ ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ Uh this was a book uh, I mean I remember a trainer uh, in my telecom days, uh one this book was recommended to us to read for for uh, attending an overseas away day out of Pakistan away day with uh, this book, End to End Padke Jaani thi. और वो हमने उसको मैंने जितनी दफ़ा उसको पढ़ा है आई ऑलवेज फाइंड और ये मेरा ख्याल है कि हमारे पाकिस्तानी ऑन्ट्रप्रोर्स के लिए पाकिस्तानी लीडर्स के लिए मैनेजर्स के लिए अब ये एक अलग बहस है कि जिसमें हम कि मैनेजर जो है वो लीडर होता है कि नहीं होता है ये एक अंडे और मुर्गी वाला सवाल है जिसमें मैं नहीं, नहीं जाना चाहता और नहीं हमारे पास इतना टाइम है इस वक्त किसी और वक्त के लिए हम इसको रखते हैं अगर मौका मिला तो लेकिन मेरे नजदीक ये दो बुक्स जो मुझे इस वक्त जहन में आ रही हैं कि विच इज समथिंग वेरी गुड और स्पीड ऑफ ट्रस्ट में ऐसी ऐसी एग्जांपल्स हैं कि जो आप हैरान रह जाएं कि हम फॉर uh, एग्जांपल उसमें एक छोटी सी एग्जांपल देता है मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए कि तो वो कहता है कि एक uh, जो रोड साइड बर्गर बेचने वाला है जहां पे लोग ब्रेकफास्ट करने जाते हैं और वहां पर तांता बन जाता था लोगों का तो the, जो रेडी वाला था ही रियलाइज कि ये रश क्यों होता है तो किसी ने बताया कि जी तुम्हारे पास रेजगारी नहीं होती इस वजह से रश पड़ता है तो उसने किया ये यह कि रेजगारी जो है वो एक डब्बे में डाल दी और दूसरा डब्बा उसने खाली रख दिया कि जी आप अपना नोट यहाँ डालें और आप अपनी रेजगारी यहां से उठाएं और उसके नतीजे में जो है वो दिस इज द लेवल ऑफ ट्रस्ट ये छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारी स्पीड ऑफ ट्रस्ट फॉर एग्जाम्पल आफ्टर नाइन इलेवन जो एयरपोर्ट्स का हाल हो गया है तो दीज आर अमेजिंग एग्जाम्पल्स इन दिस वेरी बुक और इससे पहले जो मैंने बुक बताई रीडर्स एंड माई व्यूअर्स इन दोनों जरूर पढ़े uh, मुमकिन है या इसकी समरी कहीं ऑनलाइन भी मिल जाए या बुक्स पूरी मिल जाए आई डोंट नो बट हार्ड कॉपीज को पढ़ने की आदत डालिए उनको जरूर पढ़िएगा आज कल आई पे हम पढ़ लेते हैं या लैपटॉप पे पढ़ लेते हैं लेकिन वो कागज की जो महक है उसको सुन कर पढ़ने की बात यकीनन और है एंड जिसको वो एक दफा अगर उसकी आदत लग जाए तो वो फिर डिजिटल चीजों के ऊपर बड़ी मुश्किल से जाता है और खासतौर पर जो है <laughs> बिल्कुल ठीक है सर जो सर इससे पहले कि मैं अगले कमेंट्स या क्वेश्चन लूँ मैं ना देख रहा हूँ कि हमारे बड़े कॉमन कलीग्स हैं जो कि ऑनलाइन इस वक्त मुझे और आपको देख रहे हैं इकट्ठे तो मैं उनको थोड़ा सा जलाने की खातर ये भी चाहूँगा कि आप क्वेश्चंस का जवाब देने के बजाय थोड़ी देर के लिए ना मेरी मेरी कोई तारीफ करें आप कि अभी पिछले एक हफ्ते दस दिन के अंदर जो मेरी और आपकी इंटरेक्शन हुई है वो डू फील अबाउट मी जस्ट हैव फ्यू कैंडिड जेन विदाउट एजेंडा फ्यू ऑफ द कमेंट्स अबाउट

वो मे भी मल्टी नेशनल में काम करने के साथ अपने टेंट्रम्स लोगों में आ जाते हैं मुझ में भी होंगे और शायद लोग ये फील करते थे लेकिन वक्त के साथ बंदा अगर वक्त को समझ जाए एक दफ़ा उसके बाद बंदा वो कहते हैं ना बंदे का पुत्र बन जाता है तो वो हम सब बन गए हैं जिंदगियों में और वक्त ने हमें काफ़ी कुछ सिखाया है वेरी नाइस सर जस्ट फ्यू क्विक कमेंट्स एंड द क्वेश्चन टू राइट दैम डाउन आई एम गोइंग टू स्क्रॉल दैम वन बाई वन एंड देन आई एम गोइंग टू आस्क यू द आंसर कलेक्टिवली हसीब अहमद नूर साहब हैं हमारे साथ वो कहते हैं कि सजवानी साहब वॉट इज वन स्टेप यू को टेक राइट नाव दैट वुड इंडिकेट दैट यू आर मूविंगशन मूविंग फॉरवर्ड कौन सा एक स्टेप है जिसको ये गारंटी आपको कर सकता है कि यू आर मूविंग फॉरवर्ड इसी तरह से उमेर न्याजी साहब कहते हैं कि गुड टू सी सजवानी साहब यू टुक माई फर्स्ट इंटरव्यू अलहदिल्लाई लकी टू वर्क उमेर न्याजी साहब है अच्छा 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 फिर इसी तरह से उमर जावेद साहब कह रहे हैं कि ग्रेट टू सी यू सर आफ्टर लॉन्ग टाइम आई स्टिल रिमेंबर द समोसा पार्टीज़ यू यूज टू हैव ऑन ए वीकली बेसिस फॉर फ्राम अनलॉकड लैपटॉप इन सी एच क्यू और दैट इज दैट इज गुड टाइम्स रिमेंबर्स उस्मान अकबर साहब ने हमें ज्वाइन किया कह रहे हैं कि गुड टू सी सजवानी साहब After a long time, such a nice man with uh, great vision. And uh, Usman, I still remember the interaction you and your uh, Sajwani had. Uh, uh, you told me about them. Uh, cabinet Toro, sahab, jai, Gini se hume join ki inane. Uh, he says that he, I see more people, especially in Africa, that never went to school. They actually call them uneducated people. That's uh, actually millionaires.

आ, हसीब वन स्टेप जो आपने कहा है हसीब साहब के सवाल में कि कोई एक स्टेप बताएं सबसे पहला स्टेप या जरूरी जुज़ हमारी जिंदगी का सच्चाई ट्रुथ से शुरू करें इनशाला मायूस नहीं होंगे मैं कोई मौलवी नहीं हूं लेकिन ये चीज़ हमारी जिंदगी में एथिकल फ्रेमवर्क होना चाहिए और अगर हमारी जिंदगी में फ्रेमवर्क नहीं है तो वी विल सफर इवेंचुअली चूंकि पांव नहीं होते वो हम सब ने सुना है और वो एक्सपोज जरूर होता है सो so, सच्चाई के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाएं। इन शामिया बरकत देंगे उमर जावेद साहब यस yes, रमजान में आपने समोसों की याद दिला, दिला दी है तो यस आई स्टिल रिमेम्बर एंड आप शायद अपना लैपटॉप कभी भी खुला नहीं छोड़ के जाते थे क्योंकि आप फाइनेंस के बंदे थे तो लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे कॉलिग्स थे लेकिन लोग इंजॉय करते थे उसमें पैसे निकाल के अपनी जेब से पूरे फ्लोर को समोसे खिलाना इजी नहीं होता लेकिन लोगों ने बहुत कुछ सीखा इससे कि अपना लैपटॉप जो है वो लॉक करके जाना है उस्मान अकबर साहब आपका बहुत शुक्रिया और लास्ट नेम जो था वो कैबिनेट इफ यू आर करेक्टली और इसके जवाब में आप भी मुझे हेल्प कर सकते हैं आ, अपना कैबिनेट 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 टोरो साहब हैं है, ये अफ्रीका में गिनी में होते हैं एंड ही इज सीईओ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ही सेइंग के बहुत से लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन ना लेने के बावजूद दे आर स्टिल मिलेनियर्स And the people who hold uh, PhD. diplomas and they have gone to the school for their proper education, they are seen homeless today. So do you really think that education is a master mandatory to progress forward in the life or not? I mean you see, we, we need to understand, uh, uh, Mr. Tore, that uh, how, what is the percentage of those successful people in 2020 without education? 0.5 percent, 0.1 percent. I know in Pakistan there are people who are not even graduates and they are billionaires. I mean, the, I mean in Pakistani society we can count these people on our fingertips. That how many of them are? These are. We know Bill Gates. I mean, we know how many dropouts from big universities. They are minting money. They are billionaires right now but it doesn't mean that we sh just because we are inspired of those people we should not get educated education is the passport for the future period we got to get educated and we just cannot live in this uh, uh, fools paradise that uh, since bill gates was a dropout and he is making money what else he had in him that took him to this level where he is today other than education his skill set his vision his luck or whatever i mean but we just cannot uh, uh, say that uh, we should not get educated and we should uh, because aajkal ke bachon ko agar aap nahi padhayenge वही कहते ना मैंने कहीं किसी जगह सुना था कि अगर आपके दो बच्चे हैं और अगर आप एक को पढ़ा सकते हैं तो आप अपनी बेटी को पढ़ाएं बिकॉज उसने माँ बनना है और अगली नस्ल को उसी की बदौलत जो है वो इल्म का खजाना ट्रांसफ़र होगा तो ये चंद हमारे माशरे की वो हैं कहावतें हैं जो कि हमें जहन में रखना है कि चाहे हम आधी रोटी खाएं लेकिन हमें अपने बच्चे को स्कूल भेजना है उसको कॉलेज भेजना है उसको यूनिवर्सिटी भेजना है बाहर की दुनिया में एक तो हमारी डिग्रीज की एक्सेप्टेबिलिटी का एक अलग है जो हमें आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आई वुस्ट यू टू बी इन इंग्लिश टू अंडरस्टैंड उजानी कैन फॉर गिव यू फॉर कीपिंग दैम स्टाफ बट पीपल आर नॉट गोइंग टू फॉर यू फॉर कीपिंग देम स्टाफ फ्राम एजुकेशन एजुकेशन इज पासपोर्ट टू द फ्यूचर सो इफ यू आर अनएबल टू मेक एजुकेशन available for both of your children and you have two children go for one of them but to him, to him education is mandatory as like anything thank you shahzad i think uh, you summed it up quite well Okay, sir. Uh, coming uh, again to Umar saab he is still recalling the good old days. Uh, and uh, with this, Mr. Uh, uh, we are already uh, passing ahead of the time. Uh, it was great uh, pleasure, as expected. It is full of wisdom discussion. You told me that the top three things in your mind are still today. Uh, ke give something back to the society. Uh, devil is in the details. And focus and give time to your family. फिर आपने ट्रेनिंग के हवाले से बताया कि एक तसली वाली ट्रेनिंग होती है और एक तजली वाली ट्रेनिंग होती है फिर यू हैव मैं वेरी राइटली कि एजुकेशन इज़ पासपोर्ट टू द फ्यूचर स्पेशली इन टोडेज टाइम और इन द मीन टाइम हमने डिजिटल ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर बात की हमने पुराने लोगों के साथ की इन अभी मेरी बात के दौरान आपके पुराने जानने वाले मालिक मजीद साहब आ गए हैं वो भी आपको आपको सलाम कह रहे हैं कैबिनेट इज़ अप्रिशिएटिंग कैबिनेट इज़ अप्रिशिएटिंग योर आंसर विद ऑल दैट स्टफ आई एम रियली हम्बल एंड थैंक यू फॉर योर ऑल द टाइम समीर पंजवानी साहब इज़ बिफोर यू लीड द प्लेटफॉर्म डू यू हैव एनी लास्ट मिनट एडवाइस

और आज के जमाने में स्पेशली इस महीने में मुकदस महीने में और इस पेंडेमिक में आई थिंक वी नीड टू हेल्प वट एवर वे मे चूज बट वी हैव टू हेल्प आवर सोसाइटी आवर पीपल समबडी इज कमिंग एट अट डोर रिंग द बेल एंड आस्किंग फॉर सम थिंग डोंट जस्ट टर्न दैम अवे हेल्प दैम दैट इज माई मैसेज एवरी वन इन द सोसाइटी दैट पाकिस्तानीज है

Uh, thank you again uh, sajwani saab uh, sajwani Sahib has rightly placed the ending note like uh, uh, donate more help others if you are going to have both of the things being good human and being good uh, professional it is very good to have but if you have to choose one choose to be the better human as compared to the better professional thank you very much uh, sajwani Sahib, for your time thank and wisdom inshallah fir take very best care of yourself See you soon. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.